हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी कि आप अपने फेस पे कैसे ब्लीच करें। वैसे हम मार्केट से जो प्रोडक्ट खरीद के ब्लीच करते हैं उससे तो करेंट टाइम में यानी कि तुरंत हमारे फेस पे थोड़ा सा ग्लो आ जाता है और हमारे फेस का जो हेयर होता है वो उसका कलर चेंज हो जाता है और जिससे हमारा स्किन थोड़ा फेयर दिखने लगता है। तो वो थोड़े दिन के लिए आपके फेस को अच्छा करता है बट वो फ्यूचर के लिए आपके फेस पे साइड इफ़ेक्ट्स होगा। और क्या होगा कि आप ब्लीच नहीं करोगे, छोड़ दोगे तो आपका स्किन थोड़ा काला पड़ जाएगा। तो आप ऐसा क्यों करें, थोड़े दिन के लिए आप अपने फेस को क्यों ख़राब करें? तो इस ब्लीच के हमारे फेस पे ब्लीच पे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। थोड़े देर के लिए आपके स्किन को अच्छा करेगा, वो बाद में फिर रिएक्शन हो जाता है। तो मैं आपको आज होम रेमेडीज से बताऊंगी कि आप अपने फेस को नेचुरल ब्लीच कैसे करें जो कि आपके फेस पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी लेमन। ये देखिए मैंने स्लाइस लेमन काट लिया है, ये मैंने छोटे से कंटेनर में लेमन लिया है। ये मेरा हनी, दोनों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर ले, मिक्सचर तैयार कर ले, ठीक है? दोनों का अच्छी तरह से आप मिक्सचर रेडी कर ले और आप अपने फेस को अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले और उसके बाद आप अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से पूरे फेस पे लगा लें और नेक पे भी लगा लें। तो इससे क्या होगा, आपके स्किन, आपका फेस, फेस का स्किन ब्लीच हो जाएगा, नेचुरल ब्लीच हो जाएगा और आपको इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे गाइस। तो गाइस आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो में कि ब्लीच ज़्यादा नहीं करें। ब्लीच के चेहरे पर साइड, ब्लीच करने से आपके फेस पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसीलिए आप नेचुरल ब्लीच करिए। ये लेमन और हनी का मिक्सचर तैयार करके और आप इसे 15 से 20 मिनट तक लगा लें और इसे थोड़ा सूखने दें, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लें। तो इससे आपके फेस पे चमक भी आएगा और नेचुरल ब्लीच भी होगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर सर, बाय बाय।